ये माशाल्लाह इसने मिस्त्री ने बना दी है, अब खूबसूरत भी लग रहा है। ये देखें दोस्तों, ये जो हमने हमारे वाला जो पहला तान है जिसके सर के अंदर सोटी मारे थे ना, वो देखें आज वो हमें मिला है। सर गोश वाले बिल के अंदर चला गया था, आज उसको निकाला है तो वो बाहर मरा हुआ मिला। और इस साइड पे ये देखें जी, एक ये हमारे दो फार्मिंग वाले, ये इनका भी दोनों का खात्मा हो गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे फिट हैं, बाकी को हमने बंद कर दिया है तो उम्मीद, बाकी मेरे ख्याल में सारे फिट हैं क्योंकि वो इनको काफ़ी दिन हो गए चल फिर भी रहे हैं, खा पी भी सही रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल है इसके अंदर कोई अगर दूसरा हमें बीमार महसूस हुआ तो, लेकिन सर्दी वगैरह की वजह से सही तरह से केयर हो पानी रही तो, जिसकी वजह से ये हल्के हल्के हम कल डॉगी लेके आए थे माशाल्लाह, ये भी सही है। फ़िलहाल कुछ खा तो नहीं रहा क्योंकि ये जहाँ से उठा के लेके आए थे इसकी माँ कुत्ती साथ थी तो वहाँ से दूध छूट वाला निज़ाम था इसका, लेकिन हमारे पास ये अकेला है तो इसलिए थोड़ा इसका सही तरह से केयर नहीं हो पा रही। तो ये देखें इनको भी दबाने की कोशिश करते हैं, हम आद उठा इनको। ये दोस्तों दो सब्सक्राइबर हमें यहाँ पे आ जाए हुए हैं मिलने के लिए, ठीक है, ये वीडियो कह रहे हैं हमारे देखते हैं, तो हम इनको दबाने की कोशिश करते हैं, यहीं पे दबाते हैं अपने वाले किसी से नहीं, ताकि ये कोई मतलब फैल ना हो ही ना। ये यहाँ पे दबा रहे हैं, अगर इनको बाहर ऐसे खुद डाल देते हैं ना तो वहाँ से कोई बिल्ली वगैरह या कोई यानी कि परिंदा वगैरह निकाल के ले जाएगा। चल यहाँ पे दबा रहे हैं तो चल ज़मीन में सेफ तो पड़े रहेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने कल अपने रैबिट्स और वो जो सा सिल्की का हैं था, हमारा सिल्की का मेल था, यहाँ पे दबाया था, यहाँ पे वो ज़मीन में दबा हुआ है, यहाँ पे हम ये दबा रहे हैं, तीनों के तीन यहाँ पे एक ही खड्डे में हमने दबा दिया। फिर इनको बंद करते हैं, चलो बंद करो यार। ये दोस्तों बंद करती है हमने, पता नहीं क्या हो रहा है इस हफ्ते के अंदर, बहुत ज़्यादा हमारा जो खर्चा वगैरह है ना यानी कि मर रहा है, पता नहीं मसला क्या है, क्या मसला क्या नहीं, बहुत ज़्यादा है यानी कि आजकल हमारा चूज़ा मर रहा है। तो कम से कम इस हफ्ते के अंदर भी हमारे 30 से 35 चूज़ा यानी कि टपक पड़े हैं, पता नहीं क्या मसला। और इस साइड पर देखें आज काफ़ी दिन के बाद मिस्त्री साहब आए हैं, मिस्त्री साहब के था वजह से रमज़ान शरीफ आ गया, फिर ऊपर सईद आ गए रोज़े वगैरह की वजह से ना, ये भी यहाँ काफ़ी जैसा गैबर आया, आज इसकी मिन्नत पर लेकर के इसको लेके आए हैं, नहीं कि जो काम बचे हुए मेरे बंद कर उसको तो क्लियर कर दें। तो अभी ये माशाल्लाह आ गए हैं, आज शाम तक इसको सारे को इस केज को सारे को ये मुकम्मल कर देंगे, फिर देखते हैं फिर दूसरे केज वगैरह बनाने उस साइड पे दूसरे केज की तैयारी करते हैं। ये दोस्तों हमारा एक सब्सक्राइबर था तो वो हमें उसने नहीं कि ये पैरेट का बच्चा गिफ्ट दिया, उसने लिया तो मेरे ख्याल में अपने लिए था कहीं से, तो वो सही तरह से रख नहीं पाया, क्या मसला क्या नहीं, तो उसने हमें ये नहीं कि गिफ्ट दे दिया। ये वाला देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, लेकिन ये पता नहीं क्या यानी कि हेल्दी तो है लेकिन है चुप चुपाता, यानी कि ऐसा ना कोई बोल रहा है ना कुछ शोर मचा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, पता नहीं मसला क्या है इसका। तो इसको दो चार दिन हम अपने पास रखते हैं खुराक वगैरह, उसको देखते हैं देखते हैं फिर क्या है, अगर बचता है तो फिर उसको यानी कि स्केचेज है इसको सिखाए पिलाएँगे, तो अगर नहीं बचता तो फिर देखते हैं। लेकिन आजकल जैसे सर्दी वाला मौसम चल रहा है ना, इसके अंदर बारिशों वगैरह में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो रहे हैं, तो इसको मैं फ़िलहाल इनके साथ ही इन्हीं पर बंद करता हूँ। ये देखें ये हमारे पास छः इसके बच्चे रहे हैं डक के, डक में से भी छः बच्चों में से भी चार बचे हुए हैं, दो एक्सपायर हो गए हैं, एक को कवर ले गया और दूसरा यानी कि एक्सपायर हो गया। इसको अंदर डालते हैं, ये अंदर डालते हैं देखते हैं, फिर इसको कुछ देर तक खिलाएंगे। ये सब्सक्राइबर है मेरा यहाँ पे आया, मैंने इसको कहा कि किस चीज़ का बच्चा पूछा, पहचान के बता, सुजान की शायद है, बटेरे थे पक्की गाल है, बटेरे थे नहीं है क्या टटुआ नहीं टटुए थे ही नहीं, तो सुजान नहीं कुछ सही तरह देखेंगे की शायद अपने हाथ से देख है, उठ गया उठ गया उठ गया था बोले अभी उठ गया था, ये देख तू डसा की शायद है, सही डसाया इनाम डेसा ये बच्चा चार डेसा, अगर सही डसाया ना देख मेरे को लोग कितने, तो अगर ना सही डसाया बोलते कोई ये बच्चा डेढ़ डेसा है, बदक दम मरे वो है वो वाला उड़े बदक दम ए डसा के शायद है, नहीं पता लगता पिया
सयड़ दा बच्चा है, सयड़ दा खरगोश दा बच्चा है याला। हाँ हाँ खरगोश दा तुंड सावे तेरे विराह को मैं दिता तू याद कर, तेरा विराह ही कम सीख दा दर्जी दा। हाँ अच्छा पता नहीं ये इंदा है बटेरे दा बच्चा है। हाँ पकड़ अच्छा तैं पकड़ ले ले उड़ान दिया। ये दोस्तों इन्होंने नहीं बताया कि किस चीज़ का बच्चा, खैर इनको ये इनाम शनाम अब नहीं देना, जब ये बता देते तो फिर हम इनको दे देते हैं। ये ना ये दोस्तों डग सारा दिन गायब रहती है, बच्चे इसके अलग होते हैं, अलग इसके साथ हम रखते हैं इसको, यानी कि बच्चे वगैरह नहीं दे रहे, थोड़ी बहुत यानी कि यहाँ पे फिर रही होते तो ये साथ में आके अपने बच्चों के साथ फिर लेती है, वरना ज़्यादातर ये बच्चे अलग रहते हैं वो अलग रहते हैं, क्योंकि ये ना बच्चों की हिफाजत कर सकती है ना कोई मसला है। तो कौवे वगैरह आते हैं वो उठा के ले जाते हैं, सामने ठहरी रहती है, कुछ अपना बच्चा का बचाव ही नहीं कर पाती है, तो इसलिए हमने इसके बच्चों को अलग किया हुआ है, इसको अलग किया होगा। बस ये है कि दिन के अंदर थोड़ी देर बहुत इसके साथ छोड़ देते हैं ताकि ना इसको ये दाना पानी उठाना सिखा दें। और इस साइड में हमारे रैपिड स्टोन हमने इसको यानी कि अभी फीड वगैरह करा दी है, सीरी लैक वगैरह करा रहे हैं, तो माशाल्लाह फ़िलहाल तो सही है ये देखें, लेकिन है थोड़ा सुस्त सुस्त। जिस भाई से हमने लिया था ना वो भाई यही कह रहा था कि यार ये ना माँ के नीचे से उठा के लेके आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये परेशान है, वरना ये सही है सेहत के लिहाज से, हर लिहाज से ये माशाल्लाह सही है, तो बस ये परेशान इसलिए है क्योंकि ये पहले माँ इसको फीड कराते थे, लेकिन अब हम इसको उठा के लें इसलिए थोड़ा ये ना डर रहा है, वरना बाकी सही है। उससे शुरू शुरू में जब हम इन चूज़ों को ले कर आए थे ना, छोटे रंग बिरंगे चूज़ों को, ये माशाल्लाह सारे फिट थे, किसी में कोई मसला मसैल नहीं था, ना कोई बीमार हुआ ना कोई ऐसा एक्सपायर हुआ, लेकिन जो अब बारिश आई है इस बारिश की वजह से इतने ज़्यादा हमारे चूज़े यानी कि एक्सपायर हुए। ये देखो अभी ये भी आँखें मीच के ठहरा हुआ है, पता नहीं क्यों ठहरा हुआ है, क्या मसला है इसका, हालांकि ये दिन में सही था, लाल वाले तकरीबन सारे एक्सपायर हो चुके हैं, अभी एक ही बचे हुए, बाकी चार चूज़े हमारे पास पीले वाले हैं वो सही थे हैं, ये भी पता नहीं सुबह तक बचेगा या नहीं। जब हम सुबह आके खोलते हैं तो आगे तीन चार चूज़े में एक्सपायर ही मिलते हैं डेली के रूटीन में, यह सिस्टम बना हुआ है। इस साइड पर ये देखें जी, इस वाली डग्स ने शुरू शुरू में हमें सिर्फ दो अंडे दिए, उसके बाद इसने अभी तक कोई अंडा ही नहीं दिया, पता नहीं कब देगा, अगर ये भी अंडा दे देते तो हमारे पास मज़ीद चार पांच चूज़े मज़ीद इनके रह जाते हैं, अभी तक इसने कोई अंडा वंडा हमें नहीं दिया। रैबिट्स वगैरह सारे बाहर आए हुए हैं खाने के लिए ना, ये देखें एक ये ठहरा, दो तीन ये ठहरे, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत यानी कि वो हैं रैबिट्स जो हमारे पास आए हुए हैं। बाकी बटेर के बच्चे वगैरह इधर देख रहे हैं खाने के लिए, अभी इनको नहीं डालते, हमने इनको सारा दिन ही डालते हैं, और जितना डाल देते हैं ना उतना यानी कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, सारा ही खा जाते हैं। तो इनको हम ऐसे को इनका सिस्टम बना रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम तीन टाइम डालें, ताकि ये भी पेट भर के खा लें और हमें भी कोई टेंशन वेंशन ना हो सारे डालने डालने की। इस साइड पर देखें जी माशाल्लाह इसने मिस्त्री ने बना दी है, अब खूबसूरत भी लग रहा है, ठीक है पहले की नस्बत ना, पहले तो थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था, तो अब माशाल्लाह ये सही लग रहा है। हम कोशिश करेंगे आज इसके अंदर डग्स वगैरह यानी कि जो भी चीज़ें हैं ना सारे इनके अंदर बंद करके जाएं, तो जैसे अब ये बना के जा रहे हैं इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें यहीं पर बंद करके जाऊँ, क्योंकि बाहरली साइड पर उस साइड पर ना थोड़ा वो होती है ना क्या नाम है इसका गर्मी वगैरह होती है, चलिए यहाँ पर थोड़ा रहेंगे सेट रहेंगे। ये एज हमारा इंशाल्लाह मिस्त्री भाई बता रहा है कि आज के दिन में सारा कंप्लीट करके देंगे, देखो पता नहीं करेगा भी नहीं है कहने की बातें, तो कोई पता नहीं है, जब होगा तो हमें पता चलेगा ना। तो इंशाल्लाह अगर आज हमारा ये केज कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने चूज़ा वगैरह को ना और इनको चूज़ों को नहीं सॉरी जैसे हमारे ये गैनोफाल है डग्स वगैरह है तो और ये वाली गैनोफाल डग्स वगैरह इनको सारों को तकरीबन कोशिश करेंगे बाहर ही बंद करके चले जाएँ, तो देखते हैं अगर वो आज मुकम्मल इसको कर देते हैं इसमें यानी कि बंद करेंगे, अगर नहीं करता तो फिर कल करेंगे। इस साइड पे डॉग्स देखें कैसे सोया हुआ है, ना ये खा रहा है ना पी रहा है। ओए मोती मोती, ये दूध इसके आगे रखा हुआ है लेकिन ये कुछ खा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है, उड़ाऊँ उड़ाऊँ कर रहा है। साइड पे दोस्तों देखो हमने जो सारे फूल वगैरह लगाए हुए हैं कैसे इन्होंने सारों ने यानी कि ना खड्डे वगैरह लगा के सारे ये देखें आ रहे हैं इसको, तो सही तरह से भी होने नहीं दे रहे,
तो मिस्त्री के पास अभी मेरे ख्याल में टाइम है या नहीं है। अगर इसके पास टाइम होता है तो हम यहाँ पे यानी कि सारे जाली वगैरह का इंतजाम कर देते हैं। ये देखें, ये साइड पे भी एक रैबिट्स आए हुए हैं। ये जो ऊपर ऊपर फूल वाले, इनके फिर मौसम ख़त्म हो गए हैं तो खा रहे हैं, तो खाने दे। बस यही वाले जो हमारे हैं ना, गुलाब वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं, इनको ये छोड़ देते हैं, रियायत दे देते तो अच्छा था। लेकिन जब तक यहाँ हमारे पास मुकम्मल एक सेफ्टी का निज़ाम नहीं होता, जाली वाली नहीं लगती, तो ये ऐसे ही हमें तंग करते रहेंगे। तकरीबन जितने चूज़े वगैरह यहाँ पे सारा खाना पीना लगा रहेगा।